स्टूडेंट बच्चों, आप देख रहे हैं टेकर अकेडमी। तो बच्चों, अगर आप इकोनॉमिक्स में पास होना चाहते हैं, जिन बच्चों की इकोनॉमिक्स में पार्ट वन में सफली आई है, तो वो आपके 20 नंबर हासिल कर सकते हैं, मतलब इसको पक्के कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत ईजी है। इसमें बच्चों न्यूमेरिकल्स हैं। जिन बच्चों का मोस्टली एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल ठीक हुआ था ना, वो पास हो गए थे, लेकिन शर्त है कि न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक हो। अब यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर तीन टाइप्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। एक जो है आपका न्यूमेरिकल्स है बच्चों, वो है कॉस्ट वाला, उसमें आपके पास रेवेन्यू वाला भी आ जाता है। एक हम और करेंगे, उसमें इक्वेशन वाला भी न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और एक हम करेंगे उसमें ये प्राइस और क्वांटिटी वाला, क्योंकि थोड़ा सा सफरी में ना एक्स्ट्रा तैयारी की जाती है, ये मैंने पहले ही बताया था। जैसे कि मेरे पास इसमें ना बच्चों 10 ईयर्स जो पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल है ना, वो सारे आपको सॉल्व करवाए जाते हैं, प्रैक्टिस करवाई जाती है। और तो मोस्टली स्टूडेंट जिनका ये न्यूमेरिकल जो है ठीक है ना, वो पास हो जाते हैं। शर्त ये है कि उसका ठीक हो आप। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे। ये Q3 है, एक स्टेप बताता हूँ, मैंने बहुत स्टेप बाई स्टेप बताया, सेम फिल्म। अब एग्ज़ाम में आपसे क्या क्या चीज़ कहा जाता है, वो आपसे कहता है कि फिक्स कॉस्ट फाइंड करें, जो पार्ट सही होगा उसके नंबर में। उसके बाद है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि MC फाइंड करें, सारी चीज़ें बताऊँगा। उसके बाद है इसमें एवरेज कॉस्ट भी आ जाता है, इसमें आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाता है। इसके बाद है काफ़ी हैं, टोटल रेवेन्यू है। इसके बाद आपके पास आ जाता है MR है, ये सब चीज़ें आपको फाइंड करना सिखाएंगी। और स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये सब। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो आपसे कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट फाइंड करें। सिंपली बच्चों देखिए, फिक्स कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है, यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन में आपको क्या नज़र आ रहा है। ये देखें, A से लेकर Z तक ये सारे आपके हैं, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। पॉइंट नोट करें, A से लेकर Z तक ये आपके वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर जो वैल्यूज, ये देखें, ये भी वेरिएबल है, ये भी वैल्यूज, यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ वेरिएबल है, और ये कॉन्स्टेंट है, लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ, वेरिएबल है। तो यहाँ पर वो आपसे कह रहा है फिक्स कॉस्ट बताएं। तो बच्चों, इसमें फिक्स कॉस्ट क्या है, सिर्फ 100 है। क्यों? क्योंकि इस 100 के साथ कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं लगा, मत 100 फिक्स कॉस्ट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ। तो ये सिंपल से पार्ट है, सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, स्टेप बाई स्टेप है। तो बच्चों, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। आप लेट ना करें, क्योंकि अभी देखें 15 फेब है, 15 फेब से 15 मार्च तक आपके पास टाइम है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की भी तैयारी करवाई जाएगी, अगर किसी की सप्ली आई है तो लॉन्ग क्वेश्चन में वो जब टेस्ट देगा लाइव, उसकी गलतियों को बताया जाएगा। तो बच्चों, तैयारी करने के लिए जाएं, ये जो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर आके फीस का जो मसला क्रिएट कर रहे हैं, इसको आप छोड़ दें। अगर आपने पास होना है तो इसके ऊपर बहस मत करें। यहाँ तो अगर आपने फेल होना, बार बार पंजाब यूनिवर्सिटी में फ़ीस भरनी है, वही बार बार एक ही बात में कह रहा हूँ, तो फिर आपकी मर्ज़ी है। तो ये सब चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। 20 नंबर आपने हासिल करें, अब अगर आप 20 एक बैकअप के साथ दो भी अटैम्प्ट कर लेते ना, ये तीन, तो आप ईजीली जो है ना पास हो जाते, ये गारंटीड है। मैंने जिन जिन बच्चों को न्यूमेरिकल में करवाया और जिन्होंने किया वो पास हो गया, सबने उनकी आई है जिन्होंने न्यूमेरिकल नहीं किया, ठीक हो गया। तो ये थी आज की वीडियो, अगर कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।